स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं गुजू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टेनिशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर थाना कालीपुर ग्राम सभा बनके में जयप्रकाश वर्मा ने कुंवर प्रताप सिंह पर दूध डेयरी पर वसूली करने और उनके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मारपीट में जयप्रकाश समेत डेयरी पर काम करने वाले लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमेठी में थाना मुंशीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुमित को भैसोना मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचे के साथ दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अयोध्या में थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चैमल लक्ष्मीदासपुर में दलित जयप्रकाश कोड़ी की पिटाई के मामले पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने सर्वड़ो समाज के दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि दबंगों ने जयप्रकाश कोड़ी को मजदूरी का पैसा मांगने पर जमकर मारा पीटा है, साथ ही उसे जाति सूचक गालियां भी दी हैं। बाराबंकी में वाराणसी में सीओ पद पर तैनात अमरेश सिंह बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अमरेश ने रेप पीड़िता के आत्मदाह मामले में बसपा सांसद अतुल राय के पक्ष में बयान दिया था, यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी में निलंबित सीओ अमरेश बघेल को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि अमरेश पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के साथ ही कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हैं, साथ ही उस पर भेलूपुर में रेप के एक मामले में अतुल राय की मदद करने का आरोप लगा है। वाराणसी में सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी में सरेराह कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चंदौली के सैयद राजा थाना पर बीजेपी कार्यकर्ता को मारने के आरोप में SI JP यादव समेत 5 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि थाने पर पैरवी कराने आए बीजेपी नेता को SI समेत 5 पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर ही मारा पीटा था। बलरामपुर में थाना ललिया पुलिस ने माधव राज समेत वीरे उर्फ विजेंद्र गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे के साथ ही 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के बनारसी दास मोहल्ले में बाइक सवार बदमाश घर के दरवाजे पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के गले से चेन लूट कर फरार हो गए। वही मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन में ब्लॉक कुठौंद के माध्यमिक विद्यालय बस्तीपुर में बीती रात चोरों ने विद्यालय में बनी रसोई घर में रखे सामान को चुरा लिया। सभी खिड़की तोड़कर वहां रखे सामान उठा ले गए। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।